अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत होंगे। मेरा नाम है सैयद और आप हैं टेक्निकल सही। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे व्हाट्सएप की एक सीक्रेट कोड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम किसी के भी व्हाट्सएप की इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। उसने कितनी इमेज सेंड की, कौन कौन सी इमेज सेंड की, कौन कौन सी वीडियो सेंड की, कौन कौन से स्टिकर सेंड किए, और तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए होती है, वो सब हम इन्फॉर्मेशन हम उसकी ले सकते हैं, वो भी इस सीक्रेट कोड को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी समझ आ सके। तो दोस्तों, इस सीक्रेट कोड को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर उसके व्हाट्सएप को कोड भी लगा हुआ है या फिर अगर उसका व्हाट्सएप लॉक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें व्हाट्सएप नहीं ओपन करना, जस्ट हमें इस कोड को यूज़ करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन को निकालना है। तो दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो हम अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है कि एक न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद दोस्तों, आपने सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों वहां पर आपने इस कोड को लिखना है। मैं जैसे कि लिख रहा हूं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो ताकि आप वहां से उसको कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि फाइल, उसके बाद दोस्तों कॉलन या फिर दो डॉट जो होते हैं, और उनको दोस्तों उसके बाद आपने तीन स्लैशेस डालनी है, और फिर आपने दोस्तों SD कार्ड लिखना है, और फिर स्लैश डालना है, और गो के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि थोड़ा जूम इन कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो व्हाट्सएप नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जूम इन करना है, और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर मीडिया के ऊपर चला जाना है। तो मीडिया के ऊपर चले जाने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे कि यहाँ पर वॉइस नोट्स जो होते हैं, वीडियो, स्टिकर्स, प्रोफाइल पिक्चर्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, और ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर तो आपका व्हाट्सएप है तो आप GB व्हाट्सएप की जो फाइल होगी वहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, उसके बाद तो क्या हम करते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेजेस को हम कैसे सर्च करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे कि GB व्हाट्सएप की जो इमेजेस हैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी इमेजेस मेरी यहाँ पर आ चुकी हैं जो मैंने सेंड की हैं या रिसीव की हैं, और यहाँ पर आपको टाइमिंग भी नज़र आ जाएगी। तो आपने दोस्तों क्या करना है कि मैं अपनी जो फर्स्ट पिक्चर है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिक्चर आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है पिक्चर्स, वॉइस नोट्स या जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियोस भी नज़र आ जाएंगी। ताकि आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी स्टिकर्स सेंड या रिसीव हुए हैं यहाँ पर, वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, आप किसी के भी व्हाट्सएप को जो है बग़ैर उसके लॉक को तोड़े व्हाट्सएप को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।